तो आज के हमारी इस क्लास में हम कमलदीप जी के साथ ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही है और कमलदीप जी के साथ हम VBA प्रोग्रामिंग पे डिस्कस कर रहे हैं। तो कमलदीप जी, आज का जो टॉपिक है वो डेटा सेंडिंग मेथड टॉपिक है। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक फॉर्म बनाया हुआ है, राइट। अब मैं इस फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखा पूजा, सिटी दिया हमने यहाँ पे मान लीजिए दिल्ली, और यहाँ पे हमने अमाउंट दे दिया 500। और यहाँ एक बटन होगा, उस बटन के ऊपर जब क्लिक करेंगे, एक बटन भी बना देते हैं, चलिए एक सैप लेके हम यहाँ पे एक बटन भी बना देते हैं। अब बटन पे टाइप होगा यहाँ पे सेव, राइट, और सेव को मिडल में कर देता हूँ और थोड़ा सा बना देता हूँ। अब मैं जब सेव पे क्लिक करूँगा तो डेटा, ये जो पूरा इन्फॉर्मेशन है इस डेटा शीट पे आ जाए। एक सबसे पहले तो ID जनरेट करें, किस दिन को पेस्ट हो रहा है, किस टाइम को पेस्ट हो रहा है, फिर नाम क्या है, फिर सिटी कौन सा है, और यहाँ अमाउंट हमारा 500 टाइप हो गया, और ये जो है पूरा क्लीन हो जाएगा नई एंट्री के लिए। फिर मैं दोबारा एंट्री करूँगा, दोबारा करूँगा, फिर सेव पे क्लिक करूँगा, तो फिर अगली इन्फॉर्मेशन इधर नीचे में आ जाएगा सेम प्रोसीजर से, ठीक है, समझे। जैसे मान लीजिए ना कि आपके पास एक रजिस्टर है और उसकी डेटा एंट्री आप करवाना चाहते हैं, तो डेटा एंट्री में आप और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारे वैलिडेशन वगैरह लगाना चाहते हैं, तो एक आप ऐसे देंगे सीट पे एंट्री करने के लिए देंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा कि पहले से अगर किसी ने एंट्री किया हुआ है वो इन्फॉर्मेशन देख लेगा, उसको गलत, उसको डिलीट सिलीट या गलत उलट भी कर सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार में एक ही एंट्री हो, एक बार में एक ही एंट्री हो और स्टेप बाय स्टेप एंट्री हो, ठीक है, ठीक है, ओके। तो इसके लिए हम चलिए VBA प्रोग्रामिंग बनाते हैं। तो हम डेवलपर में जाते हैं, विजुअल बेसिक ओपन करते हैं और हम यहाँ पे डबल विंडो ले लेते हैं ताकि हम साथ साथ इसकी ये भी करते रहें। ये आपका बुक 3 है, और हम बुक 3 पे ही काम कर रहे हैं, सही है, दे देना जो भी होता है, तो चले किसी और में कोड कर दिया और इफेक्ट किसी और में लाना। अच्छा, ये जो इसको हम सेव बाद में करेंगे लिखने के बाद, सेव अभी भी सेव अभी भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ये चीज से मेरे डिलीट हो जाते हैं मेरे बाद। तो आप पहले सेव कर लीजिए ना, ओके, फाइल में गया मैं, सेव एज, सेव एज, ब्राउज, हमने यहाँ पे फॉर्म के नाम से लिया, यहाँ एक्सेल वर्कबुक को चेंज किया, एक्सेल माइक्रो एनेबल वर्क को, लोकेशन चूज किया और सेव कर दिया। लेकिन मतलब लेकिन ये जब भी ये मैक्रो चलाना होगा तो ये शीट ओपन होनी चाहिए, जी जी, ठीक है। ऐसा ऐसा नहीं होता कि जैसे कि मैक्रो बना के रख लिया है, कोई भी शीट हो मुझे वो हुआ उसके लिए तो देखिए माइक्रो से मैक्रो पे डिपेंड करता है। एक तो होता है आप अभी जो हमारा मैक्रो बन रहा है, दिस इज नॉट इनवर्सल, राइट, इनवर्सल तो नहीं है ना ये, तो इसके लिए फॉर्म और डेटा शीट पे ही वर्क करेगा। तो माइक्रो दो तरह के होते हैं, एक होता है कि कोई पर्टिकुलर फाइल के लिए बना, पर्टिकुलर डेटा के लिए बना, तो उसी फाइल उसी डेटा पे चलेगा। दूसरा होता है इनवर्सल, किसी भी तरह के प्रोजेक्ट पे आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक्सेल के कमांड कैसे होते हैं, जैसे कॉपी पेस्ट हुआ आपका, कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसे हुआ, चार्ट्स लगाना हुआ, ये सब इनवर्सल है ना, इसलिए कहीं भी रन हो सकता है ना। तो ऐसी जो माइक्रो बनाएंगे तो फिर उसको हम लोग एट इंस के अंदर डालना होगा और फिर उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब ये एट इंस की जो फीचर्स है ये आपको हम आगे बताएंगे, फिलहाल इसको स्किप कर दीजिए, ठीक है। तो हमने माइक्रो बना दिया सेंड। अब मुझे क्या करना है, जाना है डेटा सीट के यहाँ पे, क्योंकि मुझे एक के नीचे जाना है ना। तो हमने यहाँ पे रेंज रेंज ए 65,000 65,000 क्यों किया, क्योंकि इसके ऊपर हो सकता है ब्लैंक वगैरह हो, मुझे सबसे लास्ट में पहुंचना है, तो मैंने यहाँ पे ए 65,000 पे गए और कंट्रोल के साथ अप एरो यूज किया और ऊपर आ गया। अब ऑफसेट ने क्या किया,
एक रो नीचे ला दिया। हाँ जी हाँ जी, हम ब्लैंक सेल पे आ गए, नीचे आ गए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमें डालना है आईडी, तो हमें आईडी कैलकुलेट करना होगा। तो अगर नॉर्मलाइजेशन कैसे करेंगे, हम मैक्स का फॉर्मूला लगाएंगे और मैक्सिमम नंबर में इसमें क्या कर देंगे, प्लस वन क्या। तो यहाँ भी हम सेम करते हैं, एक आईडी नाम का वेरिएबल देते हैं, यहाँ देते हैं एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैक्स, ठीक है। और यहाँ हम देते हैं शीट्स, शीट्स में डेटा, और डेटा के अंदर रेंज ए से, ठीक है। सर ये आईडी इक्वल टू एप्लीकेशन जो लिखी हमने, एप्लीकेशन क्यों लिखा है यहाँ पे? मैं बताता हूँ, फॉर्मूले दो तरह के होते हैं, जो एक एक्सेल को, एक वीवी एक्सेल के फॉर्मूले जो होते हैं वीवी को डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं, तो दूसरा हमें लाइब्रेरी से कॉल करना होता है, जैसे कि लेन का फॉर्मूला है, लेन का फॉर्मूला एक्सेल का फॉर्मूला है, बट आप वीवी में उसको डायरेक्ट सपोर्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं डायरेक्ट, पीछे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, मतलब इसको हम डायरेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। ओके, लेकिन क्या है कि हम मैक्स का फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं ले पा रहे, हमें लगाना है तो इसके लाइब्रेरी से कॉल करना होगा। तो हमने बोला कि एक एप्लीकेशन वर्कशीट फंक्शन, मतलब कि वीवीए का फंक्शन नहीं, वर्कशीट का फंक्शन, शीट का, एक्सेल का फॉर्मूला कौन सा, तो मैक्स। और फिर उसके जो इनपुट्स हैं हमने दे दिए, अब ऐसा इनपुट ऐसा नहीं कि एक्सेल की तरह दे दीजिए ए बाई ए, हमें वीवीए मेथड के थ्रू इनपुट देना होगा कि शीट्स में रेंज में कॉलम ए, राइट। तो आईडी निकला तो हमने बोला कि जो ए वन है, मतलब कॉलम ए की जो वैल्यू है वो आईडी प्लस वन होनी चाहिए, आईडी प्लस वन होनी चाहिए, ठीक है। अब मुझे इसमें डेट चाहिए, सही है लेकिन ये हर बार मतलब आईडी वन प्लस वन करेगा तो ये हर बार ए वन वन की आईडी देखेगा या किसकी आईडी देखेगा? नहीं, हर बार क्या करेगा, ये मैक्स का फॉर्मूला लगाएगा पूरे कॉलम में, जो मैक्सिमम नंबर आएगा उसमें प्लस वन डाल देगा। तो अभी टू आ गया, अब यहाँ टू डाल देगा तो अगली बार थ्री आएगा ना, या थ्री डाल देगा तो फोर आएगा, या फाइव डाल देगा तो सिक्स आएगा, ठीक है। मतलब ये हर बार अपने सामने वाले रो में अंदर एक फॉर्मूला लगा के देखेगा कितना आया। हाँ, वो हर बार कॉलम ए में फॉर्मूला लगाएगा और उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेगा, फिर उसमें प्लस वन डाल देगा। और डेट के लिए तो हमारे पास सिस्टम का डेट है, क्योंकि डेट डाल देगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत है, क्योंकि वन कर देंगे तो मान लीजिए कि यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया और यहाँ पे इसने टू डाल दिया, राइट। अब अगला बार मुझे डेट वाले कॉलम में जाना है तो यहाँ जाके फिर नीचे नहीं आना है, मुझे आगे जाना है, राइट। हाँ, तो ये जीरो दिया हुआ है, इसको हम वन कर देंगे और वन को जीरो कर देंगे, ठीक है। और सेम इसी को कॉपी करते आगे जाते हैं, इस वन को हम कर देंगे टू, टू और टाइम या टाइम डाल देंगे तो टाइम आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया डेट टाइम, और तीसरे नंबर पर नेम है, अब इसी को हम यहाँ कॉपी करेंगे, कॉपी किए, और टाइम जो है हमारा इसके जगह पे हम लिखेंगे रेंज, रेंज डॉट फॉर्म, या फिर एक मिनट वो बताता हूँ आपको, फॉर्म में कौन सा है, बी थ्री, बी थ्री, बी थ्री डॉट वन। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, अब बी थ्री किसका, दोनों तो सेम ही है, तो मुझे इसके आगे सीट का रेफरेंस लगाना होगा, ठीक है। तो सीट थ्री में, और यहाँ पे सीट का आप लगा भी सकते हैं, यहाँ पे आप फॉर्म भर दीजिए, बट जरूरी नहीं है, क्या बोले, नहीं, ये शीट्स का आप जो लगा रहे हो रेफरेंस, लेकिन ये तो डेटा में जाएगा, तो डेटा भी तो टाइप करना है हमें, पर इसको वैल्यू तो, वैल्यू तो, वैल्यू तो बी फॉर्म में से लेनी है, बी बी टू, हमने वही तो बात कर, वही तो बता समझाना चाहता हूँ कि हमें यहाँ पे बी थ्री, हमें यहाँ लिखा है रेंज बी थ्री डॉट वैल्यू, अब इसके आगे आप सीट का रेफरेंस लगा के फॉर्म दे सकते हैं,
और नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा। क्यों? क्योंकि इस माइक्रो को रन करने के लिए हमें इस बटन पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे डाल सकते हैं बिटली, लालना जरूरी नहीं है, नहीं है, सही है, ठीक है। अब यहाँ 2 की जगह पे 3 हो जाएगा और हम इसको कॉपी करके नीचे सीटी और इसके लिए लेते हैं, ये 3 की जगह पे हमारा 4, ये हमारा हो जाएगा 5 और सीट 3 के जगह पे हो जाएगा B7 B11, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, मुझे कंफर्मेशन देनी है तो MSG बॉक्स यहाँ डालेंगे कि प्लीज एंटर, तो चलिए चलिए डेटा से डेटा से, ठीक है। अब इसको खाली भी तो करना है हमें, हाँ, तो यहाँ पे रेंज और यहाँ पे इन्वर्टर कॉमा में B3, B7, B11। अब ये मर्ज होगा तो ऐसा नहीं होगा यार, मर्ज भी वन बाई वन करना पड़ेगा आपको, क्लियर कंटेंट्स। अगर ये मर्ज होता ना कई सारे सेल्स से इस तरह से, हाँ, तो फिर आपको वन बाई वन करना पड़ेगा, ठीक है, कंफर्म हो गया। अब चलिए इसकी एक टेस्ट करते हैं। हमने यहाँ पे पूजा डाला, यहाँ पे नोएडा और यहाँ पे अमाउंट 500। उससे पहले एक बार डेटा देख लेते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं। अगर यहाँ पे एक भी डेटा ना हो तो वो कंडीशन, अभी तो कंडीशन ही लगाया ना हमने, अभी ऐसा कुछ पढ़ने के लिए बोला है आपको, जो भी है सब कोड में बताना पड़ेगा ना आपको, और अभी ऐसा कुछ तो बताया नहीं है, तो जो भी होगा वो डाल देगा सर। अभी देखिए क्लिक करने पे नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इस पे माइक्रो असाइन नहीं किया, तो राइट क्लिक करके आप क्या करेंगे, असाइन माइक्रो और माइक्रो को असाइन करेंगे। अब मैं इस पे हैंड एडिशन आ गया, क्लिक किया, मैसेज दिया डेटा सेव, अरे क्लीन हो गया और डेटा में देखिए आ गया इसमें, ठीक है। और टाइम है इसने अभी AM PM भी लगाया, नहीं फॉर्मेट पहले से था इसलिए समझ आया। अच्छा, अब दूसरा एंट्री कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोहन, सिटी में देता हूँ मैं नोएडा, अमाउंट देता हूँ 1500, ठीक है। इस पर क्लिक किया आ गया, आ गया। अब इससे मुझे क्या करना है सर, कि मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ जैसे पूजा लिखा, पूजा लिखने के बाद जब एंटर प्रेस करूंगा तो कर्सर यहाँ नहीं, डायरेक्ट यहाँ मूव होना चाहिए। तो क्या करें इसके लिए, हम कंट्रोल दबाते हुए इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे, फिर राइट क्लिक करके हम जाएंगे फॉर्मेट सेल में और यहाँ होगा हमारा प्रोटेक्शन, इसमें हम अनलॉक कर देते हैं, ठीक है। अनलॉक करने से क्या होगा कि मैं सीट का जो पासवर्ड डालूंगा तो पासवर्ड डालने के बाद इसमें वर्क, इसमें जो है टाइप होगा, ठीक है। अब पासवर्ड डालते समय हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे सेलेक्ट अनलॉक को अनचेक कर देंगे, मतलब जो अनलॉक्ड सेल है उसको चेक नहीं करना है, मतलब जो एक ग्रीन कलर के अलावा जहाँ से हमने प्रोटेक्शन में लॉक हटाया है वो सारा सेल अनलॉक्ड, मतलब हटाया है वो अनलॉक्ड हो गया, जो ना हटा है वो लॉक्ड है। लेकिन बात है, अभी बटन पे क्लिक नहीं होगा तो नीचे आपको एक और देना होगा एडिट ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड ओके। अब देखिए अब कहीं क्लिक नहीं हो रहा, अब यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ उदय, एंटर प्रेस किया, कर्सर आई सिटी पे आ गया, हम यहाँ पे पटना डाला, एंटर मारा, यहाँ आ गया, नंबर डाला, ठीक है, क्योंकि ये खाली ये सेल अनलॉक है, बाकी सभी लॉक हो गए। जी हाँ जी हाँ, एक बार दोबारा दिखा दोगे मेरे को करके, आपको कंट्रोल करके तीनों को सेलेक्ट करना है, ठीक है, राइट क्लिक फॉर्मेट से लॉक को क्लिक कर दो, लॉक क्लिक होगा उसको अनलॉक कर देना, लॉक से क्लिक होगा, ठीक है ना, इसको अनलॉक कर देना। उसके बाद पासवर्ड डालते समय आपको यहाँ से अनलॉक होगा, यहाँ अनलॉक अनचेक कर देना, लॉक होता है उसको अनचेक कर देना, और यहाँ नीचे एडिट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देना, चेक कर देना, ठीक है। अब देखिए कोड आपको समझ में आया ना सर, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना कोड में, नहीं
बिल्कुल समझ में आ रहा है? हाँ जी। अब आपको क्या करना है, आपको एक अच्छा सा फॉर्म बनाना है, ठीक है? अब फॉर्म बनाने की आइडिया ना मिले तो गूगल बाबा से पूछ लीजिए, कैसे पूछिएगा बताते हैं आपको, वो तरीका भी समझाते हैं कैसे पूछेंगे। हम यहाँ पे फॉर्म टाइप करके एंटर मारेंगे और इसके चल जाएंगे इमेज में, बहुत सारे फॉर्म है, अभी फॉर्म देखिए कौन सा फॉर्म आप बना सकते हैं। एक एट्रैक्टिव फॉर्म बनाइएगा, ध्यान रखिए, ऐसे नहीं कि मैंने यहाँ पे मैंने ऐसे ही सिंपल सा बना दिया आपका, मैंने ऐसे सिंपल से मत बनाइएगा, एक प्रोफेशनल टाइप का फॉर्म बनाइएगा जो बना सके आप। फिर उसकी डेटा एक अलग सीट पे आप ट्रांसफर करवाइएगा, जैसे कि मैंने अभी ट्रांसफर करवाया, ठीक है? जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा तब आपको क्या करना है कि फॉर्म को एक अलग फाइल पे रखना, और डेटा को एक अलग फाइल रखता है, मतलब कि अभी क्या है कि दोनों शीट एक ही फाइल में है ना, अब दोनों को अलग कर देना है कि भाई डेटा शीट जो है डी ड्राइव में पड़ा है, फॉर्म मेरा डेस्कटॉप पे पड़ा है, ठीक है? डेस्कटॉप का जो फॉर्म है उस पे मैं डबल क्लिक करूं, मैं ओपन करूं फॉर्म को, डेटा सेव करके सबमिट करूं, तो डी ड्राइव में जो डेटा की फाइल है उसके अंदर जाके सेव हो जाए। ओके, समझे? ठीक है, ये आपको प्रोजेक्ट करना है। ये प्रोजेक्ट मैंने अपने ऑफिस लाइफ में इस प्रोजेक्ट की मदद से बहुत बड़ा काम हुआ, स्टार्ट किया था सर। क्या होता था कि मुझे एक प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट आती थी अपने टीम से, तकरीबन 30 या 35 लोग मुझे 30-35 मेल करते थे। अब 30-35 मेल मुझे डेली वेट करना होता था कि 30-35 मेल मुझे आए, फिर उनका डेटा उठाता था, फिर एक के नीचे कॉपी पेस्ट मारता था। ओके, हर दिन का काम था, ताकि वो मंथली हम लोगों का परफॉर्मेंस रिपोर्ट वगैरह, वीकली मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट उसी से बनती है। तो मैंने बोला कि ये तो अब जो प्रॉब्लम क्या होती है, जब तक सब लोग मुझे डेटा मेल ना करें तब तक मैं बैठा रहता था। अब सेल्स वालों की मंथन होती थी, वो लोग मेरे ही मंथन करा देते थे, वो डेटा डालेंगे तो डेटा डाल के जाएंगे, हमारे बॉस का पूरा मैंने के आदेश था कि पूरा डेटा आपको डाल के ही जाना है। मैंने बोला कि आप कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया कि एक टीम ड्राइव जिसके पास सबका एक्सेस था, कॉमन ड्राइव उसको लोग बोलते थे, उसमें मैंने एक अपनी ओरिजिनल फाइल को डाल दिया, ठीक है? अब उस ओरिजिनल फाइल में डेटा फाइल को डाल दिया और एक फॉर्म डिजाइन किया, जो फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन मुझे मेल करते थे वो इंफॉर्मेशन मैंने एक फॉर्म में डाल दिया, ठीक है? और फॉर्म मैंने 27 लोगों को भेज दिया था और हमने बोला कि आप लोगों को फॉर्म फिल कर देना है, आप लोगों को ये फॉर्म फिल कर देना है। तो वो लोग जैसे फॉर्म फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देते, वो वन ड्राइव की उस फाइल में जाके, जो मेरा ड्राइव था उस ड्राइव की फाइल में जाके मेरा वो फाइल और डेटा को अपडेट कर देता, एक के नीचे। तो यहाँ कॉपी पेस्ट करने का झंझट खत्म, मेल का वेट करना, कॉपी पेस्ट करना झंझट खत्म। अब प्रॉब्लम आएगी सारे इंफॉर्मेशन लेके जाना है, तो फाइल में मैंने एक लगा दिया सिक्योरिटी कि भाई 6 बजे के बाद मेरा फाइल ओपन ही नहीं होगा। अच्छा, शाम के 6 बजे से आपको जब भी डालना है शाम को 6 बजे से पहले डालना है। हमने यहाँ इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग मैंने कि यहाँ पे ओपन पे वर्कबुक ओपन पे हमने कोड कर दिया कि अगर सिस्टम का टाइम 6 बजे से ऊपर का है तो आपकी ये फाइल ओपन ही नहीं होगी, बोलेगी टाइम एक्सपायर, प्लीज ट्राई टुमारो। ओके, तो क्या होता था, अब बॉस के बोल दिया, बॉस को ठीक बोला अच्छा है सबको डालना है, बॉस ने सबको हिदायत दे दिया। अब मेरी छुट्टी शाम को 6 बजे हो जानी है 100%, 6 बजे तक किसी ने नहीं डाला तो मुझे मेल करता था, अब मेल करता था तो मैं डेटा अपडेट करने के लिए बोलता है अप्रूवल दो, मैं ऐसा डेटा ना नहीं डालूंगा। तो कुछ हफ्ते तो दिक्कत हुआ, बट फिर उन्होंने अपने आप, क्योंकि कुछ भी नई चीज़ को इम्प्लीमेंट कराने में टाइम लगता है ना सर, उसके बाद क्या हुआ कि मेरी काम जो है शाम की जो 2 घंटे का काम था वो काम खत्म, मैं आराम से 5:30-5 बजे कैब से निकल जाता, समझे? और दूसरी चीज, कभी कभी क्या होता है रिपोर्ट में हमसे गलती हो जाता था, मैं किसी का रिपोर्ट किसी में डाल दिया तो वो लोग मुझे बोलते थे कि ये रिपोर्ट मेरा नहीं है, मैंने कुछ और भेजा है, फिर चेकिंग करना पड़ जाता था, मुश्किल हो जाता था।
कभी कभी वो लोग खुद झूठ बोल देते थे, मैं सही डालता था, उधर नहीं, मैं ऐसा भेजा ही नहीं तुम्हें। तो उस केस में फिर मुझे उनको मेल और सबका प्रूफ दिखाना पड़ता था। यहाँ पे तो ऐसा नहीं बोल सकते ना, क्योंकि उन्होंने खुद टाइप किया है। सही कह रहे, क्या सही कह रहे। तो सारी चीज इसी मेथड से हुई, जो मेथड मैंने आपको बताया ये उसका बेसिक है। इसमें और ज्यादा एडवांस, जैसे आपने बोला ना कि ब्लैंक होता तो कोई ब्लैंक कोई हो, आईडी ना हो, नेम ना हो तो न डालें। एक कंडीशन हम आगे चल के इसमें लगाएंगे, ठीक है, ठीक है।